ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जामिनेशन. घबराना बिल्कुल नहीं है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करना. एंड एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के सैटिस्फैक्शन. सो बी हैप्पी विद व्हाटएवर यू आंसर. दैट्स ऑल. मेरे सभी प्यारे जूनियर्स जिनका कल नीट का एग्जाम है, उन सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से. आप लोगों को घबराना नहीं है, जितनी प्रिपरेशन आपने करी है बस अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर देख लेंगे. अपना बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में पेपर को अटेम्प्ट करना है और अच्छे तरीके से हाइड्रेटेड होकर जाना है एग्जाम के अंदर. बिल्कुल घबराने की जरूरत है, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो नीट फ्रेंड, कल नीट का पेपर है तो आप जाना तो शांत से और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. बिल्कुल भी घबराना नहीं है. मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेस है मेरी आपके साथ. और आप कॉन्फिडेंस के साथ पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना और बिल्कुल घबराना मत. आपका पेपर कल अच्छा होगा. ऑल दी बेस्ट. कल ये का पेपर है, अच्छे से टाइम पे सेंटर पे पहुँच जाना. हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे फिजिक्स का सेक्शन वो पहले कर लेना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अच्छे से खा के जाना. हेलो नीट है, उसके लिए बेस्ट विशेस. पेपर ध्यान से अटेम्प्ट करना, पानी की बॉटल लेके जाना, स्टे हाइड्रेटेड और है ना OMR बहुत ध्यान से पढ़ना. बाकी बेस्ट होना. कल नीट का पेपर है सो ऑल दी बेस्ट. आपने 2 साल जितनी मेहनत की है बहुत काम आएगी. लास्ट के टाइम पे सिर्फ आराम से सोना है, अच्छी नींद लेनी है, पानी पी के जाना है, हाइड्रेटेड होके जाना है. जितना भी आपका जितना भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब अच्छे से फॉलो करने हैं. और ऑल द बेस्ट. जैसे कि 5 मई को आप सबका नीट का एग्जाम है तो आप सब बहुत ही काम थी और सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको बहुत ही काम भी आपको सोचना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. और ऑल द बेस्ट फॉर नीट. ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2024. बहुत अच्छे से करना, OMR अच्छे से फिल करना, क्योंकि एक शांति है जो एक एक्सट्रीम जो अपन प्रिपरेशन करते हैं उसको एक फाइनल डेस्टिनेशन पर बदल सकती है. तो उसके लिए ऑल द बेस्ट. क्वेश्चन करना, स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑल द बेस्ट.